पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं जबरदस्त किस्म का चीजी चिकन लज़ानिया। चिकन लज़ानिया की रेसिपी मैं आपको बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी, जिससे आपका बड़ा क्विक जो है रेडी हो जाएगा लज़ानिया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। सबसे पहले हमें उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा चुकी हूँ। सबसे पहले जाते हैं मेथड की तरफ और बनाएंगे सबसे पहले हम इसका व्हाइट सॉस। सॉल्ट ऐड करने के बाद आप इसमें लज़ानिया को डालेंगे। लज़ानिया को जो है आपने अच्छी तरह से कर लेना है बॉयल। बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसको करेंगे अच्छी तरह से हम थोड़ा सा फ्राई। मैदा जैसे ही हमारा थोड़ा सा गूंज जाता है इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट, वो डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून ओरिगानो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये ऐड हो जाएगा। इस सारे को करने के बाद हम अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं हमारा मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद इसको करेंगे अच्छे से स्टिर और इसको हमने बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होने तक कुक करना है। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है। देखिए इसकी कितनी जबरदस्त से जो है वो हो गई है क्रीमी शक्ल। इस फॉर्म में ये आएगा तो हम इसका फ्लेम कर देंगे बिल्कुल ऑफ और इसको एक बार अच्छे तरीके से स्टिर करके ये हमारा बड़ा जबरदस्त सा हो गया है व्हाइट सॉस रेडी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अभी चलते हैं हम इसकी सेकेंड स्टेप की तरफ। ये चला जाएगा इसके अंदर, इसको हम करेंगे थोड़ा सा गोल्डन गार्लिक। जैसे ही हमारा जो गोल्डन होता है हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अनियन कटे हुए बारीक चॉप करके, हमने जो अनियन रखे हुए वो ऐड जाएंगे इसके अंदर। अनियन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। अनियन हमारा बड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा जो चिकन मिन्स पड़ा हुआ है, 300 ग्राम हमारा चिकन का कीमा है, हम इसको ऐड कर देंगे। और इसको करेंगे अच्छे तरीके से कुक। चिकन हमारा जैसे ही थोड़ा सा कुक होता है हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे। सबसे पहले हमारा जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। इन सबको डाल के इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा जो है कुक होता है इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च कैप्सिकम। ठीक है, ये चली जाएगी। इसको थोड़ा सा सौते होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई 250 ग्राम टोमेटोस। हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है रेडी। यहाँ इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। ये हमारा सॉस चला गया इसके अंदर, इसको करेंगे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स। उसके बाद हम इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ और चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। को यूं बेस में कर लेंगे स्प्रेड अच्छे तरीके से। इससे ये होगा कि एक तो आपका जो लज़ानिया पट्टी है नीचे जो है अच्छी तरह से वो चिपक जाएगा और दूसरा ये है कि जलेगा नहीं एकदम से नीचे से। ठीक है जी, व्हाइट सॉस चलेगी। व्हाइट सॉस डालने के बाद हम इस पे रखेंगे हमारी जो है इस तरह से लज़ानिया पट्टी। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी इसी तरह से। मैं सारी लगा के आपको बता दूं। अच्छा जी, बेस में पट्टी सेट करने के बाद इसमें हम ऊपर डालेंगे इसके जो है हमने चिकन प्रिपेयर किया हुआ है वो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे स्प्रेड करके।
इवनली आपने इसको जो है बेस में सेट कर लेना है चिकन को भी। उसके बाद इसमें जाएगा हमारा अगेन व्हाइट सॉस, उसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड। स्प्रेड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी चेडर चीज। चेडर चीज चली गई, उसके बाद फिर से सेकेंड लेयर जाएगी हमारी इसी तरह से लज़ानिया पत्ती की। ठीक है, ये सारा फिर से सेट करेंगे। सेकेंड लेयर हमारी सेट हो गई, सेम प्रोसीजर जो है हम इसके साथ सेकेंड लेयर में भी करेंगे। इसी तरह से सारी इसकी लेयर सेट करके टॉपिंग मैं बताती हूँ आखिर में टॉपिंग किस तरह से होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, फाइनल टॉपिंग में इस तरह से हमने कीमा की लेयर लगा के उसके बाद अगेन हमने इस तरह से पट्टी लगा देनी है। ये आपकी चॉइस है, अगर आप लास्ट टॉपिंग में पट्टी लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी लगाना चाहते तो रियली अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको सेटल कर लेना है। सेटल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये जो कंप्लीट पड़ा हुआ है व्हाइट सॉस, ये चला जाएगा। व्हाइट सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे, सॉस स्प्रेड हो गई, अब इसमें हम डालेंगे हमारी मोज़रेला चीज। आपकी अपनी चॉइस है, आप चीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, हमें चीज ज्यादा पसंद है तो मैं ज्यादा ऐड कर रही हूँ, आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। चीज सॉस चली गई, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला सॉस और मोज़रेला चीज, सॉरी चीज के बाद चेडर चीज के बाद हम डालेंगे इसमें मोज़रेला चीज। मोज़रेला चला गया, अब इसके बाद आपकी ये बिल्कुल प्रिपरेशन, मतलब इसके फाइनल फेज है। ठीक है, मैं ऐड ऑन कर रही हूँ इसमें चीजें, मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़े से ऑलिव्स। ठीक है, फ्लेवर और खूबसूरती दोनों इनहेंस हो जाते हैं इससे। ठीक है, ये चला गया, उसके बाद स्प्रेड करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा ओरिगानो और ये जाएगा हमारा बेक होने के लिए। 180 पे हम इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। थैंक यू।